हुई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तूफानी दौरे को लेकर जानकारी मिल रही है कि 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी चूरू का दौरा करेंगे। देवेंद्र झांझड़िया के समर्थन में बड़ी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। 6 अप्रैल की पीएम मोदी की गाजियाबाद में रोड शो भी है, यहां पर भी आपको एक बड़ा लाव लश्कर दिखेगा। 6 अप्रैल को सहारनपुर में भी जनसभा कर सकते हैं। 9 अप्रैल को पीएम मोदी पीलीभीत में रैली करेंगे और देखिए लगातार सिलसिलेवार तरीके से आपको कहां कहां रैली है ये बता रहे हैं। 16 अप्रैल को पीएम मोदी मुरादाबाद में जाकर बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथों में लेते हुए तूफानी दौरा करते हुए कुछ ही दिनों में नजर आएंगे। कोटपुतली का दौरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल है। 5 अप्रैल को फिर वो राजस्थान आएंगे, चूरू का दौरा उनका, जहां पर देवेंद्र झांझड़िया के समर्थन में रैली करेंगे और इसके बाद 6 अप्रैल को गाजियाबाद और सहारनपुर में जनसभा कर सकते हैं। पीलीभीत भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक बड़ी रैली 9 अप्रैल को होनी है। 16 अप्रैल को यूपी के मुरादाबाद में रैली का कार्यक्रम भी है। और अब रुख करते हैं कुछ और खबरों का। बीजेपी नेता और विदेश मंत्री अजय शंकर ने कच्चा तिब्बू द्वीप के मुद्दे पर सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इसमें उन्होंने कच्चा तिब्बू द्वीप पर भारत का अधिकार छोड़ने को लेकर कांग्रेस और द्रमुक पर निशाना भी साधा। जयशंकर ने कहा कि 1974 में भारत और श्रीलंका ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जहां उन्होंने एक समुद्री सीमा खींची और समुद्री सीमा खींचने में कच्चा तिब्बू को सीमा के श्रीलंका पक्ष पर रखा गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और डीएमके ने इस मामले को इस तरह से लिया है कि मानो इस पर उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। As you can see, this is not one prime minister, whether it was Pandit Nehru or whether it was Indira Gandhi. This very dismissive attitude, this little rock, this island of small island of no importance, this was the historic Congress attitude towards Kachcha Tibbu. अब बड़ी राहत की खबर अपने दर्शकों को बता रहे कि दरअसल कमर्शियल सिलेंडर के दामों में कमी आ गई है। आज से 71 रुपए कमर्शियल सिलेंडर के दामों में घट गए हैं। 1875 रुपए प्रति सिलेंडर अब दाम हो गए हैं और 14 किलो के घरेलू सिलेंडर के दामों में हालांकि कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे पहले आपको बताया कि रसोई गैस के दामों में कमी आई थी, उस वक्त कमर्शियल सिलेंडर के दामों में कमी नहीं आई थी, लेकिन आज जाहिर तौर पर बड़ी राहत कमर्शियल सिलेंडर के उपभोक्ताओं के लिए है। आज से 71 रुपए कमर्शियल सिलेंडर के दाम घट गए हैं और अब कीमत हो गई 1875 रुपए प्रति सिलेंडर। छत्तीसगढ़ के सुकमा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक नक्सली के मारे जाने की खबर मिल रही है। साथ ही भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। छत्तीसगढ़ का सुकमा इलाका, जो नक्सली प्रभावित इलाका माना जाता है, यहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। एक नक्सली के मारे जाने की जानकारी मिल रही है, साथ ही उसके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। एक दिन पहले भयानक तूफान भवंडर और ओले गिरने से पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 5 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। वहां इतनी तेज रफ्तार से हवाएं चली कि पेड़ जड़ों से उखड़ गए और पास के मकानों वाहनों पर जा गिरे। इस वजह से कई मकान पूरी तरह से टूट गए और गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया गया। फसलों को भी जबरदस्त नुकसान इस तूफान ने पहुंचाया है। बिजली के खंभे भी जमीन पर जा गिरे। लोगों ने बताया कि खराब मौसम की वजह से उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तूफान के मंजर की। तूफान ने जबरदस्त तबाही पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में मचाई है, जहां पर देखिए वायरल वीडियो तूफान का है। कितनी तेज रफ्तार से हवाएं चलती हुई पहली वीडियो में नजर आ रही हैं और दूसरी तस्वीर तेज हवा ने किस तरह से वहां भवंडर खड़ा किया है। लोग परेशान हैं, चूंकि उन पर बड़े बड़े पेड़ गिर गए उनके घरों पर। और तीसरी तस्वीर, जब ये नुकसान हुआ तो फिर पीड़ितों से मिलने मुख्यमंत्री खुद
जमीन पर उतरी। तो घटना की जानकारी मिलते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री देखी ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी के हालात का जायजा लेने के लिए पहुंची। उन्होंने पीड़ितों को ढांढस भी बंधाया है। उन्होंने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जलपाईगुड़ी में मारे गए लोगों के लिए दुख जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, मेरी संवेदनाएं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी मैनागुड़ी इलाके में तूफान से प्रभावित लोगों के साथ हैं। उन लोगों के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। अधिकारियों से बात की और उनसे भारी बारिश से प्रभावित लोगों को उचित सहायता सुनिश्चित करने के लिए कहा। मैं सभी बीजेपी के बंगाल कार्यकर्ताओं से प्रभावित लोगों की सहायता करने का आग्रह भी करूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तूफान का मंजर देखने को मिला, जो भारी तबाही पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुई है, उन पीड़ितों को लेकर उन्होंने ढांढस इस पोस्ट के जरिए बढ़ाया है और कहा है कि पूरी सहायता यहां पर जो पीड़ित हैं उन तक पहुंचाई जाएगी। बात शराब घोटाले की कर लेते हैं। दिल्ली में कथित शराब घोटाले के मामले में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है। आज सुबह करीब 11:30 बजे बताया जा रहा है कि ईडी अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में जाएगी और ईडी केजरीवाल की आगे की कस्टडी बढ़ाने की अपील भी कर सकती है। आपको बता दें कि ईडी की आज जो रिमांड है वो खत्म हो रही है और माना जा रहा है कि रिमांड को आगे बढ़ाने के लिए अपील ईडी कर सकती है। कुछ ही देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई भी होनी है। 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश यहां पर करती हुई ईडी नजर आने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि यहां पर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद केस में दाखिल याचिकाओं पर आज फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। आज हाईकोर्ट में होने वाली बहस में हिंदू पक्ष की और से कृष्ण कूप को लेकर दी गई तस्वीरों पर मुस्लिम पक्ष को जवाब देना होगा। और उधर देखिए, मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष की बहस भी होगी। हिंदू पक्ष ने कृष्ण कूप में आज शीतला सप्तमी और कल शीतला अष्टमी की पूजा अर्चना की इजाजत मांगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट कुल 18 याचिकाओं पर एक साथ अयोध्या विवाद की तर्ज पर सुनवाई कर रहा है। तो वही कृष्णकूप में आपको बता दें कि मथुरा में पूजा करने जा रहे 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने ईदगाह मुस्लिम की जो मस्जिद की गली है वहां से कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय के अध्यक्ष दिनेश शर्मा समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने सभी को कृष्णकूप की पूजा करने से रोका और सभी के हाथों से फूल वहां पर लिए गए। दरअसल पूजा अर्चना का पूरा सामान लेकर ये तीनों जा रहे थे। वहीं दिनेश शर्मा ने कहा कि हमें पूजा से रोका जा रहा है, हमें कृष्णकूप की पूजा का अधिकार है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कल देर रात मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित आवास जाकर उन्होंने मुख्तार के परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। तो मुख्तार अंसारी के हार्ट अटैक से मौत हो गई थी जेल के अंदर और उसके बाद देखिए असदुद्दीन ओवैसी जो लगातार हमलावर थे सरकार पर, अब देर रात पहुंचे हैं कल मुख्तार अंसारी के घर पर और गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित आवास पर जाकर उन्होंने परिजनों से मुलाकात की है, अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जबकि उनके सहयोगी SN चौहान देवरिया से चुनाव लड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया कि इंडी गठबंधन का रुख देखने के बाद अन्य सीटों पर भी वो उम्मीदवार उतारेंगे। पहले उन्होंने इंडी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन गठबंधन से 5 सीट की मांग करने के बाद कोई जवाब नहीं मिला और अब बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य लिहाजा खफा हैं और उन्होंने कुशीनगर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।
मिनट में मोदी के मेगा शो से पहले दिल्ली में जुटे इंडी गठबंधन में यहां पर शक्ति प्रदर्शन भी किया गया है। दिल्ली में रामलीला में मैदान में आपको बता दें कि विपक्ष के निशाने पर सिर्फ मोदी थे। 28 दलों के दिग्गज नेताओं ने बारी बारी से मोदी के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव या फिर तेजस्वी यादव, एक जैसा राग अलापते रहे, मोदी सरकार की कमियां गिराते रहे। लोकसभा का चुनाव है, अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले दो खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूट गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। विपक्ष के तीखे हमलों को नरेंद्र मोदी ने मेरठ में धुआं धुआं कर दिया। मोदी ने जब मंच संभाला और रॉ में आए तो इंडिया अलायंस पर करारा प्रहार किया। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है। दिल्ली से महज 100 किलोमीटर दूर मेरठ में मोदी गरज रहे थे, विपक्ष के एक एक सवाल पर जवाब दे रहे थे। मोदी ने मेरठ को ही चुनावी प्रचार के आगाज के लिए क्यों चुना? क्या है मेरठ का मोदी से अजब कनेक्शन, इसे भी अब जानिए। मेरठ से चुनावी आगाज मोदी के लिए लकी है। पहली बार प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुने जाने के बाद से मोदी ने मेरठ से ही चुनावी प्रचार शुरू किया था। 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली रैली मेरठ में ही की थी। इसके अलावा 2019 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ से ही शंखनाद किया। 2024 में क्रांति की जमीन से ही मोदी ने चुनाव का अद्भुत माहौल बना दिया। मेरठ की इस धरती के साथ ही मेरा कुछ अलग ही रिश्ता है। 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यहीं मेरठ से की थी। मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा और बागपत जैसे जिलों को जाट लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि जाट यहां पर बड़ी तादाद में है। पश्चिमी यूपी में करीब 18% जाट हैं और 120 सीटों पर इनका असर है। 45 से 50 सीटों पर तो जाट सीधा जीत हार तय करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में जाट निर्णायक भूमिका में है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के एक नेता पीयूष पांडा का विवादित वीडियो शेयर किया। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि उस वीडियो में पीयूष पांडा ने न केवल पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है बल्कि अयोध्या में बने रामलला के मंदिर पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेता पीयूष पांडा के उस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि टीएमसी नेता पीयूष पांडा ने तेली समाज का भी अपमान किया, जिसके लिए उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग से भी इस वीडियो का संज्ञान लेने की अपील की है। रामेर मंदिर तो उद्बोधन
सर हमी बामुल लोग तो तीन चार दिन पर मन गांधी सेंट्रल बस स्टैंड जुता जुता पालिश करते बसत क्या जान उन्नी जब राम मंदिर असम्पूर्ण राम मंदिर दरों में बढ़ोतरी को स्थगित कर दिया गया है। जून 2024 तक अब कल्याण कोष की दरें नहीं बढ़ेंगी। आज से बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है। तो आज से जो दर में बढ़ोतरी हो रही थी उस पर रोक लगाई गई है। और जाहिर तौर पर राकेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, न्यूज 18 की राजस्थान की खबर का बड़ा असर कहा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी शीतलाष्टमी का अवकाश है लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। जिस तरीके से न्यूज 18 राजस्थान ने अपने दर्शकों को बताया कि जो मंडी सेस और जो दूसरे टैक्स लगाए जा रहे हैं उसके विरोध में तमाम मंडी व्यापारियों ने 247 मंडियों में हड़ताल की घोषणा कर दी है। निश्चित ही चूंकि रबी की उपज जो है अब किसानों की तैयार हो रही है और अगर मंडियों में हड़ताल होती तो इसका प्रभाव किसानों पर पड़ता, किसानों की उपज मंडियों में नहीं बिक पाती और ना ही उन्हें सही प्रकार के दाम मिल पाते। ऐसे में राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के और जो मंडी टैक्स और किसान कल्याण कोष दोनों की बढ़ोतरी स्थगित कर दी है। आज से ये बढ़ोतरी लागू हुई थी लेकिन अब 30 जून तक पर कोई वसूली नहीं की जाएगी। तो ऐसे में जो मंडी व्यापारी हैं उन्होंने भी सरकार के आदेश आने के बाद जो है अपनी हड़ताल को स्थगित करने की घोषणा कर दी है। राकेश, 30 जून के बाद क्या फिर से रिव्यू होगा? आगे किस तरह की स्थिति बन सकती है? बिल्कुल, देखिए सरकार 30 जून के बाद अभी तक कोई निर्णय इस पर नहीं करेगी। 30 जून को जो भी निर्णय करेगी इसको बढ़ाना है या जैसी स्थिति है वैसी ही रखनी है तो उसके बाद जो है जो मंडी व्यापारी हैं वो जाहिर तौर पर तमाम व्यापारियों के लिए राहत की खबर है क्योंकि ये मांग थी और एक बड़ी सरकार ने यहाँ पर राहत तो दी है और इसे हम न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार इस मुद्दे को हम सरकार तक पहुंचा रहे थे। मंडी व्यापारियों ने हड़ताल को स्थगित किया है। 5 से 7 अप्रैल तक हड़ताल का ऐलान किया गया था। शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचा सकी। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली से अगली खबर है जहां पर बुराड़ी के जगतपुर गांव में तेंदुआ दिखने से दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि तेंदुए ने कुछ लोगों पर हमला भी किया जिसमें वो घायल हो गया। वन विभाग की घटना को यहां पर अब जानकारी मिल चुकी है और माना जा रहा है जल्द ही तेंदुए को पकड़ भी लिया जाएगा। लेकिन वो आपको वीडियो दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से जगतपुरा गांव में तेंदुआ देखने को मिला है। खबर यह है कि कुछ लोगों पर इस तेंदुए ने हमला भी किया है। वन विभाग को हालांकि अब इस पूरे मामले की जानकारी मिली है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस तेंदुए को पकड़ा जाए क्योंकि ये एक रिहायशी इलाका है और ऐसे में लोग डरे और सहमे हुआ है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में तेंदुए के मूवमेंट से दहशत फैली हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो दहशत में हैं। हालांकि अब वन विभाग की टीम लगातार इस तेंदुए को पकड़ने में अपनी जो है एफर्ट्स शुरू कर चुकी है और देखना होगा कब तक यहां पर तेंदुए को डिटेन किया जाता है। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना आज से देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास गगन शक्ति के नाम से करने जा रही है। इसमें देश के सभी वायुसेना स्टेशन की भागीदारी होगी। आज से लेकर 10 अप्रैल तक पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में इस युद्धाभ्यास का आयोजन होगा। बताया जा रहा है कि 10 दिन तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में वायुसेना के करीब 10,000 वायु सैनिक हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्रालय से जारी जरूरी दिशा निर्देश के मुताबिक इस अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना के सभी हवाई अड्डे सक्रिय रहेंगे। इसमें तेजस, राफेल, सुखोई 30, जगुआर, ग्लोबल मास्टर, चिंकू और आपेश के साथ प्रचंड सहित कई लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे। गगन शक्ति के तहत इसमें उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे को संयुक्त रूप से शामिल करते हुए अलग अलग हिस्सों में वायुसेना अभ्यास करेगी। अब खबर माने रमजान की है। दरअसल गरीबों की मदद के लिए इस्लाम में जकात का निजाम है ताकि हर हैसियतमंद इंसान अपने आसपास के जरूरतमंदों की मदद कर सके और कोई भी मुस्लिम गरीब परेशान इंसान भी अपने त्योहार को खुशी के साथ मना सके। जकात रमजान में सबसे ज्यादा दिया जाता है और इसी वजह से रमजान में हर अच्छे काम सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। जकात क्या है और इसके लिए जयपुर में मुहिम शुरू की गई, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने।
रमजान का पाक और मुकद्दस महीना जारी है और रमजान की रौनकें पूरी राजधानी में देखने को मिल रही हैं। आज राजधानी जयपुर में एक इफ्तार पार्टी आयोजित की गई जिसमें तमाम मुस्लिम समाज के लोगों को ज़कात के लिए बेदार किया गया। ये सभी लोग मौजूद रहे क्योंकि ज़कात का उसके मुस्तहिकों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है और इस बात के लिए लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि समाज के ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं उनको ज़कात पहुँचाना इस्लाम के अंदर फ़र्ज माना गया है। किस तरह से आज का इफ्तार रहा, क्या मैसेज आप आज के प्रोग्राम के ज़रिए देना चाहेंगे ज़कात को लेकर? ज़कात के लिए देखिए मैसेज इस कौम के लिए, इस उम्मत के लिए, मिल्लत के लिए ये है कि हम इज्तमाही ज़कात का जो नज़्म ये कायम किया है आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकें, वो चाहे किसी भी शोबे में हो, तालीम। और इस खबर के साथ